दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में कंप्यूटर का परिचय, ये जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का सिलेबस है, जिसमें 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाने हैं और इसमें 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक दिया है कंप्यूटर का परिचय, इस वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार से हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करते हुए पूरा सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले मैं कंप्यूटर का MCQ जो है सीरीज वाइज अपलोड कर दिया हूँ, अगर नहीं देखे है तो उसको जाके देख सकते हैं। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां इससे जाके ज्वाइन कर सकते। चलिए चालू करते हैं। तो पहला कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उन निर्देशों के अनुरूप उसका प्रोसेसिंग यानी कि विश्लेषण करता है, ठीक। ये मेन काम है कंप्यूटर का। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है कंप्यूटर की विशेषता, ठीक है। तो आप कैरेक्टर भी देख लेते हैं, कंप्यूटर की बहुत सारे विशेषता होते हैं, ये टू द पॉइंट है, आपको जो है एक एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला है स्पीड। देखिए कंप्यूटर बहुत स्पीड में गति करता है, इसका स्पीड का इसका यूनिट क्या है, तो नैनो सेकंड में ये गति करते हैं, ठीक है, नैनो सेकंड में काम करते हैं, 10^-9, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, प्रोसेसर स्पीड को किससे नापा जाता है, तो हॉट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होता है, TB में ये डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, इसको बोलते हैं फास्ट रिट्रेवल। जो भंडारित सूचना है वहां से कोई भी डाटा को अगर निकालना है तो बहुत फास्ट जो है निकाल सकते हैं, ये कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है निर्णय बहुत जल्दी ले सकते हैं, ठीक है, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेशन, कोई भी एक काम को आप 1000 बार कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार के रिपीटेशन का भी गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता, आप कंप्यूटर में पासवर्ड के जरिए आप अपने डेटा को जो है सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है एक काम अगर 1000 बार करेंगे ना तो उन 1000 बार में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, एक जैसा काम होगा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। ये कंप्यूटर में होता है जबकि मानव में आप जो है अपने हाथ से करेंगे एक ही काम को अगर 100 बार करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन ये कंप्यूटर में ऐसा मिस्टेक नहीं होता, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर डेटा विश्लेषण को नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग करता है बट डेटा एनालिसिस नहीं करता है, तो कंप्यूटर क्या काम नहीं करता है, डेटा एनालिसिस नहीं करता है, ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर के कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट्स का मतलब है जिस डिवाइस से आप कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आदेश उसको देंगे, ठीक है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। उसके बाद उस आदेश को प्रोसेसिंग करना, ठीक। अभी मैं पहले बताया कि डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपने उसको आदेश दिया कंप्यूटर को, उस आदेश को ये प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उस आदेश अनुरूप आपको जो है आउटपुट दे, ठीक। यही इसका बेसिक वर्किंग सिस्टम का पूरा ढांचा है ना। चले उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे चीजों में आजकल कंप्यूटर का यूज हो रहा है, लगभग लगभग सभी डिजिटल वर्क में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंक में, मेडिकल में, सूचना के आदान प्रदान में, एजुकेशन में, पब्लिकेशन, रेलवे, वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल लाइब्रेरी, डिफेंस में हो रहा है, डाटा प्रोसेसिंग, ये जितने भी यहाँ पे दिया है सभी में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के विकास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान रख। तो पहला पॉइंट में दिया है प्रथम कंप्यूटर का विकास चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1822 है ना 1822 में किया गया, जिसका नाम रखा था डिफरेंस इंजन, ठीक है। जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाए थे कौन, चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था 1822 में, उसका नाम कंप्यूटर नहीं पड़ा, उसको नाम दिया था डिफरेंस इंजन। और ये मशीन गियर और शाफ्ट इसमें लगे थे और ये भाप से चलती थी, उसमें कोई बैटरी सिस्टम नहीं था, भाप से चलती थी, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा चार्ल्स बैबेज, ठीक। कब बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर,
1822 उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा था, डिफरेंस इंजन। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, चार्ल्स बैबेज के साथ जो एक लेडी काम की थी उनका नाम है लेडी एडा अगस्ता, है ना। इनका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाइनरी डिजिट का आविष्कार किया, इसीलिए इन्हें प्रोग्रामर भी कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्रामर प्रोग्राम किए जाते हैं बाइनरी डिजिट के थ्रू करते हैं, तो इनमें जो है लेडी एडा अगस्ता इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम स्वचालित मशीन जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया, ठीक, वो पंच कार्ड के आधारित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, इनेक, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एडवेक, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पहला डिजिटल कंप्यूटर जो व्यापार में प्रयोग होने वाला था या व्यापार में इसको उपयोग किया गया वो यूनिवेक था, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनेक, एडवेक और यूनिवेक, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा इनेक, फर्स्ट डिजिटल पूछेगा एडवेक, और फर्स्ट डिजिटल जो व्यापार में यूज हुआ था वो यूनिवेक। उसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं, एलन ट्यूरिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछेगा, भारत में प्रथम निर्मित पर्सनल कंप्यूटर पीसी कौन सा था, सिद्धार्थ था। ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा, क्रे वन, ठीक है, क्रे नामक कंपनी ने इसको बनाया था 1997 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछेगा परम। तो ये कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।